तो हेलो गाइज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास Redmi Note 5 Pro है और आपने उसके अंदर एम ए का वर्जन फ्लैश कर लिया है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से किया है, या ऑफिशियल मेथड से किया है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें जो नया कंट्रोल सेंटर है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं होता है क्योंकि उसमें एक जो खास मेजर अपडेट है जो आपको मिला है उसमें जो नया वाला जो कंट्रोल सेंटर आता है देखने को वही उसमें मेजर चेंज किया गया उसके अलावा थोड़ा डार्क मोड वगैरह ये इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके थोड़ा डार्क मोड को इम्प्रूव किया गया है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे आपको पुराना कंट्रोल सेंटर ही देखने को मिलता है ऐसे में क्या होता है कि आप मतलब ढूंढते रहते हो कि वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा ये सेटिंग कहाँ मिलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ ये आपको कहाँ से इसको इनेबल आप कर सकते हो तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना आपको डिवाइसिंग के अंदर जाना है यहां पे आपको देख सकते हो नीचे आना और डिस्प्ले ऑप्शन आपको यहां पे ढूंढ लेना है तो आप यहाँ पे, तो पे, 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 तो पे देख सकते हो डिस्प्ले ऑप्शन इसके बाद में आपको सिंपल से नीचे आना है ठीक है यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह के ऑप्शन आपको डार्क मोड वगैरह के और रीडिंग मोड वगैरह के मिल जाता है और यहाँ पे आप नीचे आओगे सिंपल से आपको यहाँ पे एक स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस बार का ऑप्शन तो सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं स्टेटस बार के अंदर तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है यूज न्यू कंट्रोल सेंटर तो जैसे ही आप इसको इनेबल कर लोगे यहाँ से तो आपका पुराना वाला चला जाएगा और नया वाला आपका इनेबल हो जाएगा कंट्रोल सेंटर जैसे कि मैं भी आपको दिखा लेता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपका नया कंट्रोल सेंटर इनेबल हो चुका है रेडमी नोट 5 प्रो जो इंडियन स्टेबल ग्लोबल रॉम है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको वापस इसको क्लोज करना है क्योंकि ये अच्छा लगता है आप इसको क्लोज़ क्यों करोगे क्योंकि अच्छा लगता नहीं फिर भी आप अगर क्लोज करना चाहते हो कि पुराना वाला ही रखना चाहते हो तो मतलब किसी किसी को होता है कि पुराना तो वापस आपको सिंपल डिस्प्ले के अंदर जाना है और आपको नीचे आ जाना स्टेटस बार के ऑप्शन में और यहाँ से आप इसको जैसे ही क्लोज कर लोगे तो आपका जो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर था वो आपको वापस यहाँ पर मिल जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है तो इस तरह से आपको जो भी पसंद है आप इस तरह से इनेबल कर सकते हो अगर यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक तो बनता है और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो लाता रहता हूँ एंड्रॉइड के रिगार्डिंग तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम